माननीय सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि जनक जानकी माँ सीता के प्रकट स्थली के सुपुत्र आज उच्च सदन के उच्चतम आसन पर विराजमान है। मैं इस हैसियत से आपको बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। आपके सम्मान में सदन नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों ने जो भावना व्यक्त किया है, उस अपने को उस भावना से जोड़ते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह उच्च सदन है और जो असेंबली, दोनों में अंतर है, वह असेंबली है या काउंसिल है। काउंसिल का मतलब है काउंसिलिंग। तो इस उच्च सदन के द्वारा जो वाद विवाद होगा, या वाद विवाद नहीं बल्कि जो विमर्श होगा, उस विमर्श से उस सदन की जो मर्यादा है वह सुन रहेगा। हमारी अपेक्षा आपसे है, जैसा कि केदार बाबू ने कहा कि माँ सीता के प्रकट स्थली से आप आते हैं और आपको, क्योंकि आपके पिताजी सीतामढ़ी के एक प्रतिष्ठित लीडर रहे हैं और आपका एजुकेशन फर्गुसन कॉलेज में हुआ है, पूना का जो फर्गुसन कॉलेज है उसकी मैं चर्चा इसलिए कहता हूँ कि वहाँ से जो भी लोग निकले हैं उन्होंने समाजवादी धारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आपके नेतृत्व में यह सदन से, क्योंकि राजनीति शाश्वत है और राजनीति से अलग एक पॉलिटी है, राजनीति और पॉलिटी, और आप विशेषतर आप रहे हैं आपदा प्रबंधन के मंत्री, तो आपदा प्रबंधन के मंत्री के द्वारा सिर्फ आपदा पीड़ित लोगों को सहायता ही पहुंचाने का काम नहीं किया बल्कि आपदा को रोकने का भी काम किया। आज की राजनीति में जो समाजवादी चिंतन का प्रवाह आगे बढ़ रहा है, उस प्रवाह को रोकने के लिए कभी कभी पॉलिटिकल आपदा भी उपस्थित होता है समाज के सामने। तो आप सभा के इस सभापति के हैसियत से उस आपदा को रोकने का काम करेंगे। हमारी सिर्फ आपसे यही अपेक्षा है कि यह सदन, समिति और सदस्य, सदन, समिति और सदस्य, इसका जो अधिकार है और इसका जो लोकतांत्रिक संसदीय अधिकार है, उसका न सिर्फ संपोषण होगा बल्कि संवर्धन होगा, अभिवर्धन होगा। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से अपने निवर्तमान सभापति अवधेश नारायण सिंह के प्रति भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपने को सभापति नहीं माना बल्कि इस सदन परिवार के मुखिया के रूप में आपने काम किया और एक इंक्लूसिव व्यक्तित्व के रूप में आप सभी सदस्यों की भावना को व्यक्त कर, सभी सदस्यों की भावना को आदर करते हुए सदन को चलाने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष, आपकी भी बहुत बड़ी जवाबदेही है। हमको थोड़ा आज का आलिया था, सेरेमोनियल था, कॉन्ग्रेचुलेटरी सेरेमोनियल अवसर, इसमें वाद विवाद की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वाद विवाद की गुंजाइश इसलिए हो गई कि सभी लोग चाहते हैं कि जो हमारे आज़ादी की लड़ाई की जो विरासत है वह विरासत कायम रहे। इसके संदर्भ में कुछ वाद विवाद हुआ तो उसको वाद विवाद के रूप में नहीं लिया जाए, सुझाव के रूप में लिया जाए। हमारी सिर्फ यही आपसे अपेक्षा है कि यह सदन जो है सो वर्ग संगठन के लोगों का सदन है। वर्ग संगठन जो है हमारा, हम सोच रहे थे कि वर्ग संगठन का यह काउंसिल बना है तो वर्ग संगठन की जो अपेक्षा है वह अपेक्षा भी आपके द्वारा अपेक्षा आवाज उठे। और एक चीज मेरा है, कन्फ्रंटेशन, काउंसिलेशन एंड कंक्लूजन। सभापति का काम है कि कन्फ्रंटेशन को काउंसिलेशन में बदले और कहीं ना कहीं राजहित में एक कंक्लूजन पर सदन पहुंचे। इसी अपेक्षा के साथ मुझे विशेष प्रसन्नता है कि आप भी सीतामढ़ी के हैं और हमको भी सीतामढ़ी का होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जमाने से आपका संबंध रहा है, आप में मधुरता है, सहजता है, न सिर्फ चेहरे पर के मुस्कान पर बल्कि उस चेहरे के मुस्कान के भीतर जो अंतरात्मा की मुस्कान है उसका आप प्रतीक करते हैं। आप इसी मुस्कान के साथ सदन को कोऑर्डिनेट करते हुए, सभापति कंट्रोल नहीं करता है, सभापति कोऑर्डिनेट करता है, तो कोऑर्डिनेशन के भाव से उस सदन की जो गरिमा है वह आगे बढ़े ताकि राजनीति की जो पॉलिटी है
उस पर कोई डिसेस्टर नहीं पहुंचे किसी भी सूरत से। और महात्मा गांधी हमारे सदन नेता महात्मा गांधी का दिया है, यह महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, इसलिए महात्मा गांधी का विचार शाश्वत रहेगा, उस विचार पर कहीं कोई खतरा नहीं पहुंचे, यह भी हमारी अपेक्षा आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद।